सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं गार्गी पुरस्कार योजना क्या है और ये किन लड़कियों को प्राप्त होता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि गार्गी पुरस्कार योजना 2024 का जो उद्देश्य है वो लड़कियों को शिक्षा में सशक्त बनाना और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। सरकार लड़कियों को अपने शैक्षिक प्रयासों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए पुरस्कार देती है। अगर आप गार्गी पुरस्कार से संबंधित समस्त जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। सबसे पहले बात करते हैं गार्गी पुरस्कार योजना आखिर है क्या। तो गार्गी पुरस्कार योजना राजस्थान सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गार्गी पुरस्कार योजना शुरू की है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर गार्गी पुरस्कार योजना 2024 क्या है। तो राजस्थान सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गार्गी पुरस्कार योजना शुरू की है और इस योजना के तहत कक्षा 10वीं में 75% अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों को 3,000 रुपये मिलते हैं और कक्षा 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाली लड़कियों को 5,000 रुपये मिलते हैं और ये पुरस्कार प्रति वर्ष बसंत पंचमी पर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि गार्गी पुरस्कार योजना 2024 के लिए कौन पात्र है। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि लड़कियों को राजस्थान का मूल निवासी होना अत्यंत आवश्यक है। आवेदक के माता पिता में से किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी छात्र की वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियां ही गार्गी पुरस्कार योजना के लिए पात्र है। न्यूनतम 75% अंक लाना अनिवार्य है। साथ ही लाभार्थी लड़की के पास सत्यापन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। बात करते हैं कि गार्गी पुरस्कार योजना 2024 की लास्ट डेट क्या है। तो गार्गी पुरस्कार 2024 की वर्तमान में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन स्वीकार कर रही है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है वो 31 मई 2024 निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं कि गार्गी पुरस्कार योजना 2024 के लिए आवेदन आपको कैसे करना है। यदि आपने कक्षा 10वीं के अंदर 75% या 12वीं के अंदर 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो आप गार्गी पुरस्कार योजना के लिए पात्र है और आपको शाला दर्पण वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके लिए आप ई मित्र की सेवा ले सकते हैं। पूरा ये प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप पूरा आवेदन पत्र भर के उसकी एक प्रति प्रिंट अपने पास में जरूर रखें।